ऐसे दो लक्षण हैं कि जिससे आपको पता चलेगा कि आपका बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ में टाइम पास कर रहा है, कर रही है, या आपका मजाक उड़ा रही है, या आपके साथ में गेम कर रही है। क्या होता है कि आपका गर्लफ्रेंड आपकी गर्लफ्रेंड होंगी, आपका बॉयफ्रेंड होगा। क्या होता है, लड़कियां काफी भावुक होती है, इमोशनली इन्वॉल्व जल्दी हो जाती है। वो वहां देखती नहीं है कि इसका धर्म कौन सा है, जात कौन सी है, उसको लड़का अच्छा लगता है, ही मैन लगता है, और उसको उसके प्यार में वो निकल जाती है, मतलब फंस जाती है, बोलो या जो भी कुछ है, प्यार में आती है। होता क्या है कि जब अभी आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक के ऊपर अफेयर्स हो जाते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप्स है उसमें अफेयर हो जाते हैं, और उसमें फिर एक दूसरे से मिलना जुलना, बातें करना, ये बढ़ते रहता है। आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या लड़का, ये लड़का मेरा गेम कर रहा है, या ये लड़की मेरा गेम कर रही है, या मेरे साथ में टाइम पास कर रही है, वो देखना पड़ेगा। और उसके क्या लक्षण है, तो ये दो लक्षण मेनली हो सकते हैं। एक लक्षण ये है कि समझो वो लड़का आपको टाइम नहीं दे रहा है, आपने फोन किया तो उसका टाइम पे जवाब नहीं देना, आपने मैसेज भेजा तो टाइम पे जवाब नहीं देना, मैं बिजी हूं, मैं काम में हूं, ऐसा बोलना, और कोई भी शेड्यूल मीटिंग नहीं रखना। उसको जब टाइम है तो उसको टाइम पास करना होगा, तो फिर उस समय वो आपको फोन करेगा और बोलेगा अभी मुझे टाइम है और अभी मिलने के लिए फलाने फलाने जगह पे आ जाओ, या अभी मैं आपसे बात करना चाहता हूं। तो जब वो ऐसा बोलता है कि ये टाइम पे आ जाओ और तुरंत आ जाओ, जल्दी आ जाओ, ऐसा लड़की भी बोलती है, लड़का बोलता है, मतलब कोई शेड्यूल मीटिंग नहीं है, शेड्यूल टाइम नहीं है, और बस तुरंत आ जाओ क्योंकि उसको टाइम पास करना है, उसके पास में टाइम है, तो वो असली प्यार की निशानी वो होती नहीं है कि उसके पास में टाइम है, टाइम पास करने के लिए आपको, या खिलवाड़ करने के लिए, गेम करने के लिए आपको बुला रहा है। एक वो हो गया कि भाई अनशेड्यूल्ड मीटिंग, जल्दी आओ वाली मीटिंग। नंबर दो, जब वो बात करेगा तब बात कभी फ्यूचर की नहीं करेगा। क्या होता है कि आपका दोस्त है, कभी आप साथ में रहते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं, फ्यूचर आप क्रिएट करते हैं, तो फ्यूचर की जब बात करने का समय आता है तो वो फ्यूचर के बारे में कुछ बोलेंगे नहीं, हमारा, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, ऐसा हमारा मतलब दोनों का, ऐसा कभी वो बोलेंगे नहीं, बोलेंगे तेरा या मेरा, मेरा ऐसा है, तुम्हारा ऐसा है, तुम देखो तुम्हारा क्या करना, मैं देखता हूँ मेरा क्या करना। मतलब क्या है कि वो प्रेजेंट में रहेगा सिर्फ, कि अभी वर्तमान में मुझे क्या करना है, फ्यूचर में अपने को शादी करना है, फ्यूचर में साथ में रहना है, फ्यूचर का अपना प्लान क्या है, फ्यूचर में हम साथ में रहने वाले हैं क्या, उसके बारे में बात करेंगे नहीं। क्या होता है कि मेजोरिटी ऑफ दी टाइम्स, मतलब बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि आजकल लोग बहुत ही टाइम पास करने के लिए सिर्फ दोस्ती करते रहते हैं, उनको सोशल मीडिया के ऊपर दोस्ती हो जाती है, सोशल मीडिया के ऊपर पहचान होने के बाद में फिर नंबर एक्सचेंज करना, मिलना जुलना, और फिर साथ में कभी कभी ऐसा होता है साथ में घूमना फिरना है, एक ही गांव में रहते हैं तो दूसरे गांव में रहते हैं तो फिर ठीक है, तभी भी मिलना जुलना हो जाता है, और ऐसे इसमें फिर प्यार बढ़ते जाता है। मगर कोई यदि टाइम पास करने के लिए कर रहा है कि चलो अभी अपना टाइम पास करने का है, तो आपको कोई भी बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, उनको सतर्क होना जरूरी है, ज़्यादा हमने खुद का इन्वॉल्वमेंट करना नहीं चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि कोई भी एक पार्टनर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, उसको लगता है कि नहीं मैं तो इसके साथ में फ्यूचर मेरा बनाऊंगी या बनाऊंगा, और बाद में वो एक दिन ना बोल देता है, वो तो बोलता नहीं मेरा तो ऐसा मकसद ही नहीं था, शादी का तो मेरा विचार ही नहीं था, शादी के लिए तो मुझे घर पे पूछना पड़ेगा, क्यों दोस्ती किया तो घर पे पूछा नहीं, क्या दोस्ती करने के समय तो घर में पूछा नहीं, उस समय तो पूछना भी चाहिए था कि घर दोस्ती करूँ कि नहीं करूँ, तो उस समय तो पूछा नहीं, भी शादी के लिए पूछना पड़ेगा, शादी के लिए ये तो पॉसिबल नहीं है, मतलब ऐसे कुछ बहाने बनाना या और कुछ करना, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये कभी भी ख्याल में रखो कि आपको ये देखना है कि आपके दोस्ती में, आपके फ्रेंडशिप में, आप जब साथ में रहते हो, आपके रिलेशनशिप में ये देखना है कि ये सामने वाला जो अपना पार्टनर है वो अपना गेम कर रहा है क्या, वो टाइम पास कर रहा है क्या, और टाइम पास करके अपना खिलवाड़ कर रहा है क्या, वो आपको देखना पड़ेगा, अपने को यूज़ करके ले रहा है क्या, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ तो टाइम पास करने के लिए आपके साथ में है, और वैसा होगा तो अभी सतर्क होना जरूरी है। और ये वीडियो ज़्यादा से लोगों को शेयर करो ताकि लोग सतर्क हो जाएंगे और कोई ऐसे इसमें फंसेंगे नहीं। नहीं तो फिर क्या होता है कि ब्रेकअप्स हो जाते हैं, कोई भी एक पार्टनर इसमें का इतना इमोशनली इन्वॉल्व हो जाता है कि बोलता है कि नहीं, उसके दिमाग में रहता है, वो कभी बोलता नहीं कि अपने को इसके में शादी करने की है, दूसरा तो टाइम पास कर रहा है, एक दिन वो बोलता नहीं मैं जा रहा, या चाल बंद कर देता है, बोलना बंद कर देता है, नंबर ब्लॉक कर देता है, और ये ब्रेकडाउन में आ जाता है। तो मेरे पास में ऐसे कितने सारे लोग आ गए, लड़कियां दोनों भी, कि उनको एकदम झटका बैठ गया और ब्रेकडाउन का सामना पड़ा, करना पड़ा उनको, ब्रेकअप हो गया, जब उनको मालूम था कि अपने को इसके साथ में शादी करना है, ऐसा उनको मतलब उनके दिमाग में था, सामने वाले को भी उसने बोला नहीं था, सामने वाले के साथ में शेयर नहीं किया था, उसने कभी प्रॉमिस नहीं, वो तो टाइम पास कर रहा था। तो कभी भी आपने ये देखना है कि अपनी रिलेशनशिप
टाइम बीइंग है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाने वाले हैं, वो क्लियर पहले से रहा तो फिर बाद में ब्रेकडाउन हो गया या बाद में ब्रेकअप हो गया, सेपरेट होना पड़ेगा और मेंटल ब्रेकडाउन का काम आएगा नहीं। ये हमारा जो मिशन है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। ये वीडियो लोगों को शेयर करो, आप भी हमारे पार्टनर ये मिशन में बन जाइए। हमारा प्ले स्टोर के ऊपर एक ऐप है डॉक्टर के अगर, वो आप डाउनलोड कर लो, वहाँ फ्री चैटिंग कर सकते हैं। और कुछ आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो नंबर दिए उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।